नमस्कार दोस्तों, YouTube के अनिल टेक्निकल्स में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार एक नई सीरीज आपके सामने लाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इक्विटी ऑफ बेसिक शेयर मार्केट की जो सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, जो कि आप पेड सर्विस में भी आपको बेसिक से नहीं सिखाया जाता है, तो मैं यहाँ पे बेसिक से शुरुआत करने वाला हूँ। और उन लोग जो लोग के मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो मेरे बेसिक से मैं शुरुआत करने वाला हूँ, तो बेसिक से लेके एडवांस में मैं जाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं बेसिक से, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेयर मार्केट होता क्या है कि जहाँ पे बाइंग और सेलिंग शेयर की होती है, बेसिकली जो भी शेयर मार्केट में कामकाज चलता है, बाइंग और सेलिंग, कोई बंदा बाय करे या सेल करे, दोनों तरफ वो पैसे कमा सकता है, चाहे वो मंदी में कमाए या तेज़ी में कमाए, उसमें हम सिंपली भाषा में बुलिश और बेरिश कहते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो पहले शेयर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो शेयर लेने से कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी का शेयर ख़रीदता है, तो वो इनडायरेक्टली वो कंपनी को ख़रीदता है। ठीक है, तो डायरेक्टली वो कंपनी का मालिक बनता है। अगर वो शेयर किसी शेयर का वो अपने पास में स्टॉक होल्ड करता है, तो वो डायरेक्टली वो कंपनी का मालिक बनता है, वो उसका स्टेक पार्टनर, उसका स्टेक होल्डर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक हो गया। और देखा जाए तो बेसिक में और हम देखेंगे कि शेयर मार्केट के शेयर के दो तीन टाइप्स है, टाइप्स ऑफ स्टॉक जो भी हम बोलते हैं, उसमें आता है पहला कॉमन शेयर, दूसरा आता है परफॉर्मेंस शेयर, और तीसरा आता है सेविंग शेयर। ठीक है, तो कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर और सेविंग शेयर। तो देखा जाए तो इंडिया में फिलहाल सेविंग शेयर अभी हमारा मतलब इंडिया में बंद हो चुका है, अभी वो सेविंग शेयर नहीं चलता है, तो ज़्यादातर हम लोग कॉमन शेयर और प्रेफरेंस शेयर ही प्रेफरेंस करते हैं। तो इसमें देखा जाए, उसके बाद आता है डिविडेंड। डिविडेंड ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। डिविडेंड क्या होता है कि जो भी आपके पास स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो शेयर होल्डिंग में आपको एक के ऊपर अगर किसी कंपनी को फ़ायदा होता है या किसी को प्रॉफिट या मुनाफा होता है, तो उस पर आपको कंपनी एक शेयर पर एक शेयर आपको बोनस देती है, डिविडेंड देती है, उसका स्प्लिट करती है, तो आपको उसको डिविडेंड कहते हैं हम लोग। तो हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो अच्छा तुम्हें डिविडेंड देती है, तो आप उसमें डिविडेंड देने वाली कंपनियां आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है बोनस इशू और राइट इशू। बोनस इशू और राइट इशू ये स्टेक होल्डर के पास ही उसका राइट होता है। ठीक है, तो बेसिकली शेयर मार्केट में ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, और ये बेसिक के बाद हम लोग देखेंगे बुलिश और बेरिश। बुलिश बोले तो क्या, तेज़ी जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट में अगर तेज़ी आने वाली है तो हम उसे बुलिश कहते हैं, और मार्केट में अगर मंदी आने वाली है तो हम उसको बेरिश कहते हैं। तो बुलिश और बेरिश, उसके बाद में आपने और मार्केट शेयर मार्केट में सुना रहेगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम लोग देखा जाता है कि एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं, NSE और BSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो अभी इस्टेब्लिश हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास पुराना था, तो पहले के ज़माने में डायरेक्टली पर्चियों के ऊपर ही शेयर का लेन देन होता था, क्योंकि आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों के पास अभी भी 1982 से 1992 के दरमियान बहुत सारे शेयर होल्डर जिनका एक पर्ची के ऊपर शेयर होल्डर होगा, शेयर उसका रहेगा, तो वो अभी वो पूरा पूरा ज़माना उसका चेंज हो चुका है। अभी नया सॉफ्टवेयर और नया जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब से आया हुआ है, तो पूरी उसकी लेन देन की प्रक्रिया अलग से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी है। तो दोस्तों ये था बेसिक में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, क्योंकि हम लोग ये सीरीज शुरू की है, इसमें हमने बेसिक से शुरुआत की है कि आने वाले मार्केट में जो भी नया बंदा है, जो है नए लड़के लोग, जो कोई बंदा इसमें आना चाहता है,
शेयर मार्केट में, तो उसे बेसिक से हम उसको समझे और वो बेसिक से शुरुआत कर सके, क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, तो पूरी सीरीज़ हम लोग इसमें चलाने वाले हैं। तो फिर से एक बार कहता हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है वो बिल्कुल दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको डायरेक्टली आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो वंस अगेन एक बार फिर से आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू दोस्तों।